हेलो एवरीवन क्या हाल चाल सो वी आर बैक विद द न्यू वीडियो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर टू पैकेजिंग मटेरियल लेक्चर नंबर फोर इस वीडियो में हम मेटल एज ए पैकेजिंग मटेरियल देखेंगे कि मेटल को एज ए पैकेजिंग मटेरियल कैसे यूज़ किया जाता है तो इसका एडवांटेज देखेंगे डिसएडवांटेज देखेंगे यही दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए इस वीडियो में जितना बता रहा हूँ उतना ही अब पढ़ लो एग्ज़ाम में इतना ही लिख के आ जाओगे बस इससे एक्स्ट्रा इस वीडियो से एक्स्ट्रा मेटल या पैकेजिंग मटेरियल के टॉपिक पर पूछेगा ही नहीं लिख के ले लो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम यहाँ से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे मेटल पैकेजिंग प्लेस एन important रोल इन the प्रोसेस ऑफ फूड preservation that कैन बी described by the यूजिंग the टर्म कैनिंग देखिए जो मेटल की पैकेजिंग होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें फूड प्रिजर्वेशन में यानी कि फूड को प्रिजर्व करने लंबे टाइम तक खाने योग्य बनाए रखने में ये हेल्प करता है मेटल पैकेजिंग और उसी को हम किस टर्म में डिस्क्राइब करते हैं कैनिंग वो जो पैकेजिंग का मेथड होता है जो प्रोसेस होता है उसको हम एज ए कैनिंग डिस्क्राइब करते हैं इसका काफ़ी अच्छा लोगों आपने देखा होगा ये रहा, ये जो रसगुल्ले का पैकिंग आता है इसका पैकिंग देखिए ये मेटल पैकेजिंग का परफेक्ट एग्जांपल है इसमें जो रसगुल्ला होता है ये लंबे टाइम तक इसको प्रिजर्व किए रखता है ख़राब नहीं होने देता है अब इसी चीज़ को हम कैनिंग या कैंड फूड कहते हैं आगे देखते हैं कैंड फूड हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट इन द डेवलपमेंट कंट्रीज़ अब भाई क्या है कि इंडिया में हम लोग तो ये कैंड फूड हम लोग के यहाँ काफ़ी कम ही यूज़ होता है क्योंकि हम लोग तो ताज़ा ताज़ा बनाए खाते हैं भाई लेकिन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्या होता है वो लोग खाना कम ही बनाते हैं तो वहाँ पे ये जो कैंड फूड होता है इसका इसका यूज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे उन लोग का डेली लाइफ का एक पार्ट इसेंशल पार्ट बन गया है ह्यूमन डाइट का आगे देखते हैं दे हैव स्पेसिफिक वैल्यू इन द प्लेस वेयर नो और लिमिटेड रेफ्रिजरेशन एग्जिस्ट इन द स्टोरिंग फूड। इसकी ज़्यादा वैल्यू उस जगह पे है जहाँ पे फूड को स्टोर करने में प्रिजर्व करने में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम या तो है ही नहीं या तो बहुत ही लिमिटेड है इट इज़ ए मेथड ऑफ़ प्रिजर्विंग फूड स्टफ़ विदाउट माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोड्रेशन अब किसी भी खाने वाले पदार्थ को हम लोग लंबे समय तक खाने योग्य बनाए बना के रखने के लिए क्या हम केमिकल का यूज़ करते हैं किसी न किसी केमिकल का कि वो ख़राब ना हो लंबे टाइम तक ठीक रहे लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि विदाउट माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरेशन के बिना ये फूड स्टफ को प्रिजर्व कर लंबे टाइम तक प्रिजर्व किए रहता है नेक्स्ट देखते हैं मेटल्स यूज फॉर पैकेजिंग अब ऐसा कौन कौन सा मेटल है जिसको हम एज ए पैकेजिंग में यूज़ करते हैं पहला है एल्युमिनियम, दूसरा स्टील तीसरा टिन एडवांटेज देख लेते हैं दे आर ड्यूरेबल मतलब वो टिकाऊ इसका जो पैकेजिंग होता है वो काफ़ी टिकाऊ होता है लंबे टाइम तक चलता है दे डू नॉट अलाउ लाइट मॉइस्चर एंड गैस एज टू पास थ्रू ये ना तो लाइट को अलाउ करता है ना ही किसी गैस को पास करने देता है ना ही नमी को कि इन सारी चीज़ों से अगर कोई अंदर प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो तीसरा है दे कैन बी मेड इन टू रिजिट रीसाइलेंट कंटेनर्स बाई इम्पैक्ट एक्सट्रक्शन इस पैकेजिंग का एडवांटेज ये है कि हम इसे कठोर कंटेनर भी बना सकते हैं और लचीला कंटेनर भी बना सकते हैं चौथा है दे आर लाइटर इन वेट देन ग्लास कंटेनर ये जो ग्लास कंटेनर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्लास एज ऐ पैकेजिंग मटेरियल तो ये ग्लास के पैकेजिंग से काफ़ी लाइट होता है काफ़ी हल्का होता है डिसएडवांटेज देखते हैं डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा है नहीं पहला है दे आर कॉस्टली भाई ड्यूरेबल है इसको कठोर बना सकते हैं लचीला बना सकते हैं और ग्लास से लाइटर है तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्टली तो होगा ही ये इसका डिसएडवांटेज है दूसरा है दे कैन मेक एडल्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बाय सेटिंग मेटल पार्टिकल इनटू देम यदि हम किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को मेटल पैकेजिंग में रखते हैं तो मेटल के पार्टिकल ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मेटल के पार्टिकल्स उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में मिक्स हो जाएँ और इस वजह से उसकी एफ़िकेसी भी कम हो सकती है तो ये एक और डिसएडवांटेज है यहाँ पे आपका चैप्टर टू हुआ कंप्लीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थ्री के साथ तब तक के लिए लाइक मारो यार और नए हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो थैंक यू